हाँ तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आईटीआई के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के बारे में। यह आपका दूसरा प्रश्न पत्र होता है आईटीआई में वर्कशॉप और कैलकुलेशन एनएसक्यूएल लेवल का। मैं बताऊंगा इसमें आपका जो पहला अध्याय है वो है यूनिट्स। यूनिट जिसको मात्रक कहते हैं या फिर इकाइयां कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाइयां। इसको इकाइयां कहते हैं। इकाई होती क्या है? किसी भी राशि, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो राशि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं इकाइयां। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे इकाई कहते हैं। जैसे लंबाई को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो मीटर है वो क्या है? इकाई है या फिर मात्रक है। किसका? लंबाई का। तो ये इसी तरह से समय को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकेंड या कह सकते हैं घंटा, मिनट, ये सभी आपका समय के मात्रक या यूनिट्स हैं। अब देखिए इकाई को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इकाई को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपकी होती है मूल इकाई और दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न इकाई। मूल इकाइयां या व्युत्पन्न इकाइयां नंबर एक। मूल इकाइयां, मूल इकाइयां कौन कौन सी होती है? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। ये जो आपके होते हैं वो होते हैं मूल इकाइयां। इनके जो राशि होती है, इनकी मापक राशि जो होती है, मात्रक जो होता है, उनको कहते हैं मूल इकाइयां। लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसके मात्रक को कहते हैं मूल इकाइयां। व्युत्पन्न इकाइयां वे इकाइयां जो इन राशि के इकाइयों से बनता है उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न इकाइयां। जैसे दूसरा नंबर आपका है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न इकाइयां, व्युत्पन्न इकाइयां। जैसे इसमें आपका बल, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसमें देखिए द्रव्यमान आया हुआ है और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? व्युत्पन्न इकाई हो गई। अब देखिए इकाइयों में प्रणालियां होती हैं, इसको मापक प्रणाली कई होते हैं। इसमें जैसे आपका एक होता है एमपीएस जिसको फुट पाउंड सेकेंड कहा जाता है, एक होता है सीडीएस जिसको सेंटीग्राम और सेकेंड कहा जाता है, एक होता है एमकेएस जिसको कहते हैं मीटर, किलो, ग्राम और सेकेंड, और एक होता है एसआई पद्धति। तो इसमें जो आपका फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली है, प्रणाली तीन प्रकार के मुख्य रूप से हैं और एक चौथा आपका एसआई पद्धति भी होता है। तो आपका जो पहला इसमें है वो है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। यानी इसमें क्या है? जो लंबाई का मात्रक होगा वो फुट होगा, जो द्रव्यमान का मात्रक है वो पाउंड होगा, और जो समय का मात्रक है वो
सेकंड होगा। इस चीज को समझिए। दूसरा आपका होता है सीजीएस, इसको बोलते हैं एफपीएस, एफपीएस फूट पाउंड सेकंड। अगला आपका है सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड। अब इसमें जो लंबाई का मात्रक है वो है सेंटी, द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम और समय का मात्रक है सेकेंड। अगला आपका है एम्पीरियस, मीटर किलोग्राम किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सबसे पॉपुलर सबसे प्रसिद्ध ये आपका मूल इकाई है, इकाई है प्रणाली है ये आपका खनिज, सबसे प्रसिद्ध आपका ये प्रणाली है एमकेएस प्रणाली, जिसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस प्रणाली और एसआई, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं एसआई, ये दोनों लगभग सेम है। दोनों में एसआई पद्धति में भी एमकेएस यानी जो चौथा आपका अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इसको एसआई बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इसको एसआई बोला जाता है। इसमें भी आपका जो लंबाई है वो मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है। तो ये आपका इकाई के प्रणाली हो गए, चार प्रणाली आपके होते हैं एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआईएस। अब इसमें सबसे प्रसिद्ध आपका जो प्रणाली होता है वो होता है एमकेएस। उसके अलावा एमकेएस और जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इन्हीं प्रणालियों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब इन प्रणाली में हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और उनका मात्रक बताते हैं। अब जैसे इसमें आपका लिख रहे हैं, सबसे पहले यहां पे आपका जो राशि होगी, राशि भौतिक राशि, उसका मात्रक एफपीएस में, सीजीएस में, एमकेएस में और ईएसआई में। तो सबसे पहले आपका लंबाई, लंबाई का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सॉरी इसमें सेंटीमीटर नहीं, इसमें फुट, फुट, फुट होगा। फिर उसके बाद सीजीएस में आपका सेंटीमीटर होगा, सीजीएस में आपका सेंटीमीटर होगा, एमकेएस में आपका मीटर होगा, एसआई में आपका मीटर होगा, द्रव्यमान द्रव्यमान
पाउंड पाउंड होगा, ग्राम होगा, किलोग्राम होगा, यहां भी किलोग्राम होगा, समय सेकंड, यहां भी सेकंड, यहां आपका सेकंड, यहां आपका हो गया। फिर आपका करंट, करंट धारिता जिसको बोलते हैं, धारिता धार, करंट धार, धारा का मतलब एम्पियर, आपका इसमें सीपीएस हो या फिर तीनों में एम्पीयर दिए, तीनों में एम्पीयर हो रहा। टेम्परेचर तापमान, तापमान सब फारेनहाइट, फारेनहाइट होगा, सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड, यहां भी सेंटीग्रेड होगा। और ये सारी पद्धत में तापमान का चिन्ह जाता है जो यहां पे हो जाएगा केल्विन, केल्विन। उसके बाद फिर आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का इसमें आपका होता है स्क्वायर फुट, वर्ग फुट कह सकते हैं, वर्ग फुट, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, और यहां भी आपका वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। इसी तरह से आयतन का मान क्या कुछ, आयतन घन फुट, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, और यहां भी आपका घन मीटर हो। तो ये हुआ बच्चों, इसके बाद घनत्व का मात्रक। इसी तरह से घनत्व का मात्रक, इसका एमपीएस में आपका होता है पाउंड पर घन फुट, पाउंड पर घन फुट, ग्राम पर घन सेंटीमीटर,
कितना प्रति मीटर, एसआई में भी कितना पर मीटर, कितना पर मीटर। ये हो गया बच्चों। इसी तरह से जितनी भी राशियां हैं उनके आप माप कर एसआई में, एफपीएस में, एमकेएस, सबसीडीएस में देख सकते हैं, निकाल सकते हैं आप। अब देखिए कुछ चेंज करना है, जैसे आपको कि एक फुट को कितना इंच दर्शाया जाता है, कुछ इकाइयों को हम बताते हैं उनको उनका मान कितना होता है, कुछ इकाइयों का जो मान होता है वो हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले लंबाई की इकाई हम कुछ बताते हैं। लंबाई की इकाई इसमें एक फुट बराबर होता है, एक फुट बराबर होता है 12 इंच, एक गज बराबर होता है 3 फुट के, एक गज बराबर होता है बच्चों 3 फुट के, एक फरलांग बराबर होता है 220, एक फरलांग। ये एसआई पद्धति का मात्रक है बच्चों, एक फरलांग बराबर होता है 220 गज, एक मील बराबर होता है 8 फरलांग के, एक मील बराबर होता है 8 फरलांग के, या फिर आप उसको कह सकते हैं 1700 गज के बराबर होता है, 1700 गज के बराबर होता है। ये लंबाई की कुछ मात्रा जो आप लोगों को हमने बताया, इसमें एक फुट बराबर आप लोग सभी लोग जानते हैं 12 इंच बच्चों, एक गज बराबर 3 फुट होता है, एक फरलांग बराबर 220 गज होता है, एक मील बराबर 8 फरलांग या 1700 गज होता है। इसी तरह से बच्चों हम अब आपको द्रव्यमान का बताते हैं। द्रव्यमान की इकाई है कुछ, द्रव्यमान मान की इकाई है, द्रव्यमान की इकाई है। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, द्रव्यमान को मात्रा भी कहते हैं, द्रव्यमान को मात्रा भी कहा जाता है। तो इसमें ये एसआई पद्धति के मात्रक को हम बता रहे हैं सर, एक पाउंड बराबर, एक पाउंड एक औंस पहला आपका है, या एक पाउंड बराबर होता है, एक पाउंड बराबर होता है 16 औंस के, 16 औंस के। फिर एक औंस बराबर आपका होता है 10 टन, एक औंस बराबर होता है 10 टन, एक औंस बराबर आपका होता है 10 टन, एक क्वार्टर बराबर होता है 28 पाउंड के, एक क्वार्टर बराबर होता है 28 पाउंड, एक क्वार्टर बराबर आपका 28 पाउंड के। फिर आपका एक टन बराबर होता है 80 क्वार्टर, एक टन बराबर होता है 80 क्वार्टर, या फिर इसको आप कह सकते हैं 2240 पाउंड के, 2240 पाउंड के बराबर होता है बच्चों। इसी तरह से सबसे आसान आपका है समय, समय की इकाइयों को चेंज करना आसान है बच्चों। ये एसआई पद्धति के
इकाइयों को चिन्हित कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना ये ईसाई पद्धति ये इकाइयों को हम चिन्हित करके बता रहे हैं आप लोगों को। अब समय का आप लोग जानते ही हैं, समय की इकाइयों में एक मिनट बराबर 60 सेकंड, एक घंटा बराबर 60 मिनट। समय की इकाई, समय की इकाई इसमें एक मिनट बराबर 60 सेकंड और एक घंटा बराबर 60 मिनट या 3600 सेकंड ये हो गया बच्चों। तो ये आपका हो गया एसआई पद्धति का। अब हम मीट्रिक से ब्रिटिश इकाई रूपांतरण बताते हैं, मीट्रिक से ब्रिटिश में कैसे बदलेंगे, मीट्रिक से ब्रिटिश इकाई रूपांतरण। अब इसमें देखो बच्चों, पहला आपका है लंबाई की इकाई का रूपांतरण। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं इसमें, लंबाई की इकाई का रूपांतरण, लंबाई की इकाई का रूपांतरण, इकाई का रूपांतरण। तो एक मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 मिलीमीटर बराबर 0.3937 इंच के, एक मिलीमीटर बराबर 0.3937 इंच के। फिर अगला आपका होता है बच्चों, एक सेंटीमीटर बराबर एक सेंटीमीटर बराबर सॉरी 0.0 हो जाएगा 0.0337 इंच के, एक सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंच के, एक मीटर बराबर आपका हो जाता है बच्चों 39.1 मीटर बराबर 39.37 इंच के, और एक किलोमीटर बराबर होता है 0.6214 मीटर, एक किलो किलोमीटर बराबर होता है 0.6214 मील, 0.6214 मील। अब इसी तरह से तौल की इकाई बताते हैं बच्चों, भार की इकाई जैसे जो होता है तौल की इकाई के रूप में, ये आपका पहला था लंबाई की इकाई का रूपांतरण। अब हम आपको बताते हैं तौल की इकाई का रूपांतरण, दूसरा सेकेंड नंबर इसमें बच्चों तौल की इकाई का रूपांतरण। एक ग्राम बराबर होता है 15.432 ग्रेन के, एक ग्राम बराबर होता है बच्चों 15.43 ग्रेन की, 43 ग्रेन। अब ये आपका
15.4 की ग्रेन से 1 किलोग्राम बराबर होता है बच्चों, 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.204 पाउंड के बच्चों, पाउंड के। इसको पाउंड लिख सकते हैं या पाउंड लिखा जाता है बच्चों, इसको आप पाउंड भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है पाउंड के। एक टन बराबर होता है बच्चों, एक टन बराबर होता है 2204 पाउंड के, 2240 पाउंड, 2240 पाउंड। और एक गैलन बराबर होता है 10 पाउंड के, एक गैलन बराबर होता है 10 पाउंड की। या फिर आप कह सकते हो बच्चों 4.53 लीटर, 4.53 लीटर। ये तौल की इकाई का रूपांतरण है बच्चों, इसको 1 ग्राम बराबर 15.43 ग्राम के होता है, 1 किलोग्राम बराबर 2.204 पाउंड होता है, 1 टन बराबर 2240 पाउंड और 1 गैलन बराबर 10 पाउंड के। इन सबसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्रिक से आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा, याद करते रहेंगे। तालिकाएं आप लोग पढ़ेंगे, 1 मीटर बराबर जैसे 100 सेंटीमीटर, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर आपको हम बताते हैं बच्चों ब्रिटिश से मीट्रिक प्रणाली में इकाई का रूपांतरण, ये आपका ब्रिटिश से मीट्रिक। अब तक हमने बताया बच्चों मीट्रिक से ब्रिटिश, ब्रिटिश में, अब आपको बताते हैं ब्रिटिश से मीट्रिक इकाई का। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं लंबाई, पहले इसमें बच्चों लंबाई, लंबाई का इसमें पहला, 1 इंच बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ये होता है बच्चों 1 इंच बराबर। जानते हो आप लोग 1 इंच बराबर लगभग हम लोग 2.5 सेंटीमीटर जो बोलते हैं वो एक्यूरेट कितना 2.54 सेंटीमीटर होता है, या फिर इसको आप 25.4 मिमी भी कह सकते हो, 25.4 मिलीमीटर जिसको बोलते हैं, मिली मीटर, मीटर 25.4 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है बच्चों 10 मिलीमीटर के, जब हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 25.4 हो जाएगा। फिर 1 फुट बराबर होता है 0.1 इंच बराबर होता है 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर, मीटर की, यानी जो हम कहते हैं बच्चों की लगभग 3 फुट के बराबर हम लोग क्या मानते हैं 1 मीटर, लगभग होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर के। फिर आपका 1 गज बराबर होता है, 1 गज बराबर होता है 0.914 मीटर,
एक गज बराबर बच्चों होता है 0.914 मीटर है। फिर आपका एक मील बराबर होता है बच्चों, एक मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर, 1.609 किलो मीटर। एक मील बराबर बच्चों होता है, जो लोग कहते हैं लगभग 1.5 किलोमीटर, गांव में माना जाता है कि लगभग 1.5 किलोमीटर बच्चों, तो वही आपका एक मिनट जो होता है एक मील के बराबर कितने बराबर होता है 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर इसी तरह से आपका तौल की इकाइयों का रूपांतरण होता है बच्चों, इसी तरह से आपका तौल की इकाइयों का रूपांतरण होता है। तौल की इकाइयों का रूपांतरण, इसमें पहला आपका होता है बच्चों एक ग्रेन बराबर होता है 0.0648 ग्राम, एक ग्रेन बराबर होता है 0.0648 ग्राम एक ग्रेन। ये ब्रिटिश प्रणाली है, ये मीट्रिक प्रणाली है। फिर आपका एक ग्रेन बराबर 0.648 ग्राम भी होता है, एक पाउंड बराबर होता है 0.4536 ग्राम, एक पाउंड बराबर होता है 0.4638 की ग्राफी, 4536 की ग्राफी। एक पाउंड बराबर होता है बच्चों 0.4536 की ग्राफी। फिर एक टन बराबर होता है 1000 टन बराबर हम लोग मानते हैं 1000 की ग्राम के बच्चों, लेकिन एक्यूरेट जो ये होता है 1016 की ग्राम के बराबर होता है, 1016 की ग्राम। ये एक टन बराबर होता है बच्चों 1016 की ग्राम के, या फिर एक टन बराबर आपका होता है बच्चों, एक टन बराबर होता है 1.02 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। क्योंकि एक टन हम कितना मानते हैं बच्चों 10 क्विंटल, एक मीट्रिक टन जो होता है बच्चों वो होता है 10 क्विंटल। इसमें आपका जो एक टन बराबर आपका होगा 1.02 मीट्रिक टन के। फिर आपका एक लीटर बराबर जो होता है बच्चों वो होता है 1000 लीटर बराबर होता है बच्चों 1000 घन सेंटीमीटर। ये लीटर को बदलना है सेंटीमीटर, लीटर एक लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर पानी होता है, 1000 घन सेंटीमीटर पानी। तो ये आपका रूपांतरण आज हमने बताया बच्चों कैसे इसको रूपांतरित किया जाता है। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो हम बनाएंगे आप उसको देख सकते हैं। डेली हम आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपको परीक्षा में फायदा होगा। जो भी परीक्षा होगी हम उस समय आपको उसका मॉडल पेपर भी हल कराएंगे। पेपर कैसे आता है आपको मॉक टेस्ट